माँ कहती है बीवी का गुलाम, और बीवी कहती है माँ का लाल, क्या करूं बीच में फंस गया, समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, राम राम साहब। मंजू शेषमा ब्लॉग चैनल पर थाऊँ बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन बात करा एक पुरुष की जो माँ और वाइफ दुनिया के बीच में फंस जाए। जद भी वो बारह काम खत्म कर आपके घर आवे शाम का, तो हर पुरुष आस करे भाई मैं घर जा आराम करसूँ, आराम से बैठ सूँ, आराम से अपना टाबरा के साथ खानू खासी, माँ बाप के बैठ सूँ। तो हर एक पुरुष सुकून की तलाश में रहे कि भाई मन थोड़ी देर सुकून मिल जाए, और घरों बेहतर कटे भी कोई सुकून कौन मिले। तो वो घर आवे जब वे माँ और वाइफ दोनों झगड़ती मिले घर में, जब भी वो प्रवेश करे तो भी पुरुष को घर सूँ एक मतलब या मन सो उचट जाए कि भाई मैं घर न जाऊँ तो बढ़िया रहे। फिर वो धीरे धीरे घरों दूर रहबा की कोशिश करे। जब भी वो घर आवे ना, जब माँ बोले कि बेटा तेरी लुगाई मैंने आज यहाँ कह दियो, मन यहाँ कह दियो, और लुगाई बोले कि तेरी माँ मन यहाँ बोल दियो, मन यहाँ बोल दियो, बात यहाँ की है बियान की है, तो वो दोनों तरफ वो बातें सुन सुन भी कोई दिमाग है ना वो ख़राब हो जाए। और ज़्यादातर जो पुरुष है शराब का शिकार हो रहे हैं या फिर घर छोड़ निकले हैं यही वजह से निकले। लगभग ज़्यादा तो कौन कह इसका, लेकिन 30-35% पुरुष है ना ये वजह से शराब का शिकार बने। वे ज़्यादा शराब पीवे भैया, तो देखो पुरुषा ने थोड़ा सो इशारों भी चाहिए कि थारी ई वजह से मैं शराब पियो लागो, ई वजह से शराब पियो लागो, लेकिन लगभग पुरुष वह ने जो घर में टेंशन करबा की वजह से वह शराब का शिकार हो जाए। कहे अगर बीपी हाई रबा लाग जाए, कहे वो ब्लड प्रेशर तेज उबा लाग जाए, और एक मतलब घर में वो गुस्से ने जब पहली भी यहाँ धड़कन सी बढ़ जाए कि आज का ही झगड़ो मिल सी मन। और वो ज़्यादातर झगड़ा की जड़ हुए ने वो दोनों मतलब सास बहू के बीच में कम हुआ है कि भाई सासू बहू अकेली घर रहे ने जना बहुत कम लड़े हैं, बाकी जो अड़ोसी पड़ोस में वह ने पे लगा वाली मतलब आप बोला भाई आज लगा दी, आज बाइया सिखा दी, बाबियाँ सिखा दी, ये वजह से मैं क्यों मतलब कई लुगाइया में बहुत तेज हुए हैं, और कई में जो बने यहाँ ध्यान को रहे भाई अपन कोई सिलगा रहे हैं या अपना कुछ लोग तमाशा भी देख रहे हैं, बन ये बात को कौन एहसास हुए मतलब एक अड़ोसन पड़ोसन आसी और बाबा कहीं बोल सी सासुन कैसी है ये बड़ी हालत, तू ही तू काम करे, तेरे बीननी काम ही कौन करे। असी बीननी तो भाई मेरे तो कौन, मेरे तो बहुत काम करे मेरी बीननी, जब सासु फूल रस्सी मोटी जी के बरो के तो खसीक बीननी है और माड़ी तो उधर ही काम कौन करे। और भी बीननी भाई पड़ोसन खुद ही बीनिया खसी, या तेरी सासू तो उम्र में ही यहीं कट्टी फिरी, ये कहें बाली सो काम तू ही तू कराया तो हाथ ही कौन लगावे, आ तो उम्र में ही काम कौन करियो कद दिए। जब आ बीननी सोची मन के मायने के भाई हाँ मेरी सासू तो कदे काम करे ही कौन, आप ही आप करा। जब आके दुनिया के बीच में झगड़ो हुआ है तीसरा लोग भी परिवार को तमाशो देखे, और जो घर घर के मायने पुरुष हुए ने वो चाहे बेटा के रूप में हो चाहे हस्बैंड के रूप में हो, वे पुरुष बीच में पिसी जाए जिया कि मोट के सागे गुण कौन पिसी सके बिया। तो आप अगर समझदारी से कोई काम कराने, अगर थारे कोई अड़ोस पड़ोस में भी वह तो वे थानिया बोले कि ये वाली तेरी सासू यहाँ करियो या वाली तेरे यहाँ करियो बिया करियो, तो भी चक्कर के मायने पुरुषा ने मत पीसो कि खुद सलटो, क्योंकि एक लुगाई हुआ ना एक दुर्गा को रूप हुआ है, तो वो दुर्गा को रूप हुआ तो वह हर बार आम भी ने सोचना चाहिए समझना चाहिए कि आ बात सही कतेक और गलत कतेक है, हर बार का मायने निष्कर्ष करो ने। अगर थान कोई बोल भी दियो तो तुरंत भी सासू मान बोलो कि आ बात मन यहाँ बोल दी, या फिर वह बोल भी पूछो कि आ बात मैं पूछू ला जार थाने बा बात दोबारा कौन पूछे। एक बार मेरा खेबा हूँ, अगर थे कोई लेडीज और मेरा वीडियो देख रही हो था कोई अड़ोस पड़ोस में यह बोल रहा है कि भाई थारी सासू यहाँ है, थारी ननदियाँ है, थारो ससुरोयाँ है, थारो मोटियारियाँ हैं, तो बिना थे तुरंत यहाँ बोल दीजिए कि मैं आ बात पूछूँ ला बार जाता ही घर जाता ही मैं मेरा हस्बैंड ने पूछू ला, या फिर वह खैर नटे गए कि आदत वह खैर मना कर देगा ना मखना की हो, जब आप घर में राड़ जाए और वे किसक ले, तो इन को भी स्थिति आवे ना तो बिके मायने थे कहा फोन रखो तो आप एनी टाइम चलावा फोन, तो जब भी यूँ बात करो ना कि वह कणा तो कणा कोई बात कही सी रिकॉर्डिंग करो तुरंत, या कोई फ़ोन में बोल रही है तभी की रिकॉर्डिंग करो। आजकल तो बहुत सारा साधन चल रहे हैं सबूत के तौर पर, तो वह के साथ में तो एक दो के साथ में यह कर देसो ना कि भाई पूछ लेसो या तुरंत वहाँ की रिकॉर्डिंग कर लेसो, तो फिर थे थाने फिर भी दोबारा नहीं इनकी बात बोलने भी को नहीं, और थारा घर में सुख शांति रहसी हमेशा ही। आप बोला ना देवता के जावा महाराज के हाथ जोड़ा कि महाराज मारा घर में सुख शांति को नहीं, लड़ाई झगड़ो हो रही है यहाँ हो रही है, तो वो सुख शांति के लिए तो खुद को दिमाग लगाओ कि वह बात कतेक सही है कतेक गलत है, तो
तो था का पुरुष भी सुखी रहसी परिवार के मायने है जगह, और थे खुद भी था कि सासू के साथ में था को व्यवहार बहुत अच्छी हो रहसी, चाहे सासू हो चाहे देवरानी जिठानी हो चाहे ननद भौजाई हो, वहाँ के बीच में अगर रिश्ता के मायने बढ़िया मिठास बनाए डोराखण है ना थाने, तो इको मतलब मेन कारण वह रीजन वह एक तो मतलब दूसरो लगा या करी परिवार में भी यहाँ का हुए कि खुद की देवरानी जिठानी भी यहाँ बोल देवे गए कहने आइया है बाबियाँ है, तो बाकी दुनिया के बीच के मायने राड करवा दिए, तो वह राड करवाओ ने भी तीसरा इंसान ने थे हटाओ बीच में, नहीं था को मतलब खुद को घर तो बर्बाद हो रही है, था का आज का हस्बैंड है या था को बेटो है वो भी मतलब कई बीमारियों को शिकार हो रही है ई वजह से कि भाई सास बहू लड़ती ला देने दोनों घर जना भी के मतलब माइंड के मायने यहाँ हुआ कि आप तो घर छोड़ देवा तो बढ़िया रहे, और वो लास्ट में कई कई पुरुष घर छोड़ भी देवें, और ए जगह शराब का शिकार मैंने सारा कौन सारा की बात करूँ, कई अंदर बेरोड़ा ने एक बहानों चाहिए तोकसो कि भाई मैं शराब पी लूँ, लेकिन कई कई यहाँ का पुरुष में जगह में मतलब खुद के मायने अपने आप में ही रेबाड़ आवें बाकी वे लड़ाई झगड़ाऊँ दूर रेड़ आवें, तो बन अचानक ही परिवार के मायने लड़ाई झगड़ो हुए या हमेशा ही बने मतलब नेगेटिविटी मिले ना परिवार के मायने, देख बन जब भी घर में प्रवेश करे और एक दूसरा गाली बक्ति मिले या लड़ाई झगड़ो मिले तो वह मतलब परिवारों निकलवा की कोशिश करवा लाग जाएं, फिर लास्ट में वह कई बीमारियों का शिकार हो जाएं और शराब का शिकार भी जाएं, तो थाने थका परिवार ने बचा रखनू है ने तो थे एक तो तीसरा आदमी जो को बीच में लगा रहे हैं ना बिना हटाओ कि मैं एक तो भी नहीं बोलो कि मैं पूछू ला ये कि या ये रिकॉर्डिंग करो, वो जो कह रहे नटे बिन हटाओ चाहे कोई भी रिश्ता में हो रिश्तेदार भी कोई भी न्याल कौन करे था परिवार हूँ ज़्यादा सास ससुर न्याल करे ने भी हूँ ज़्यादा कोई न्याल कौन करे माँ बाप हूँ बाद में वह सास ससुर वे न्याल करे ने बता दूसरा कोई भी न्याल कौन करे चाहे वे लगावे जगह भी कौन करे थे मन कोई काम बता देख लियो था तुरंत मना दे, लेकिन सास ससुर ने थे चाहे कताई सरतार देख लीजिए वे थाने वो काम था को जरूर कर दी सी, क्योंकि बाकी मन में उसी भाई अपना है दूसरा का यहाँ मन में कौन हुआ भाई अपना हुए भाई दुख पावे सुख पावे बन कोई मतलब कौन हुआ, तो कई पुरुष हुए जगह सासू भूगी लड़ाई भी सलटा दे में, लेकिन कई पुरुष हुए जगह भाई बोल कौन सके सासू कन बोल जाए तो वो बोल सी के वो तो माँ को लाल है तू तो, और बीननी कन बोल सी ना वो माँ कह दे तू तो बीवी को गुलाम है, तो वो दुनिया के बीच में पिसी जाए तो यहाँ का पुरुषा ने बेचारा ने पिसो मत और लड़ाई झगड़ो है जो खुद तक ही सीमित रखो जो कुछ भी बात है वह खुद ही सलटो, ताकि पुरुष है जगह खुद एकदम सुइया फिनी सूर आपको काम बारह को काम कर सके और थान कमार ल्यार दे सके घर, क्योंकि वे कमावे जद ही आप खावा हाँ और वे सारी खुशियाँ हैं ना परिवार में जद वे पुरुष है न जद ही थारे बीच में सारी खुशियाँ है, पुरुष ही नहीं रहसी वह कोई दिमाग ही ठीक नहीं रहसी थारा परिवार में कोई खुशियाँ को नहीं था टाबर भी सहमे रहसी हर टाइम ये झगड़ो राखसी हो या परिवार में नेगेटिविटी राखसी होने तो था परी जगह टाबर पड़ रही आई ने बन भी कुछ भी को नहीं आ, क्योंकि वह अपना दिमाग में सारा दिन वो झगड़ा की बात गुछेड़ी रखा तेरी दादी आन की है तेरा दादो आन को है तेरी माँ आन की है तेरा बाप ही आन को है, तो वह झगड़ा की बात सुन सुन बाको खुद को भी माइंड है जो ओप जैसी, तो ये वजह से टाबरों के लिए भी था हस्बैंड के लिए भी या कोई माँ देख रही है था बेटा के लिए भी सारा के लिए भलाई को काम करो, यह मत करो कि भाई बेटो है बीवी को गुलाम है, बिन थोड़ी सी खुशी के लिए कोई चीज़ ल्यार दे दी तो ये बोले भाई वो तो तू तो बीवी को गुलाम है, और थोड़ी सी मां ने कोई चीज़ ल्यार दी सी तू माँ को लाल है, तो अगर थे घरों बारे जा रहे हो तो भी अगर सासू जाए तो दोनों के बेटी के ल्यार है तो बहू के लिए भी कुछ ले रहा करो, और अगर वाइफ जा रही है बारे कोई बीरणी तो भी को मतलब आपकी सासू माँ के लिए भी छोटी मोटी चीज़ ले आओ तो मन अति भी खुशी काफ़ी है, और कुछ न ले रहा हो तो एक आवाज़ है यान की जो क्यों आप आई एक माने आप एक मिश्री गोल सकाँ और इम आप खरास गोल सकाँ आवाज़ जो आप बढ़िया बात तरीका में बात कर लिया ने एक तो ओई टुकुण है और एक माँ इमें बहुत अंतर हुआ, तो थाने मेरे वीडियो शौक लगे हो मैंने कमेंट कर जरूर बता दीजिए, और अपना चैनल पर नया हो तो अपना चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए, और शुरू सपोर्टर हो तो थानू बहुत बहुत धन्यवाद शेयर जरूर कर दीजिए, राम राम साहे जय जवान जय किसान।